स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसमें मैं क्या करूँगा, आप सभी को मैं कट ऑफ एनालिसिस बताऊँगा प्रीवियस ईयर के, और जो जो मेन स्टेट है ठीक है नॉर्थ ईस्ट के, मैं उसके वीडियो बना रहा हूँ, और जो बाहर के भी है उसका भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से। तो कितना था कट ऑफ, क्या था, मैं उसके अप्रोक्सीमेटली वही हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये साल क्या होने वाली है। तो IBPS क्लर्क कट ऑफ एनालिसिस, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगी। और देखिए एक बात मैं डायरेक्टली कहूंगा, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो यह वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो ठीक है। तो मेन है आप ट्रस्ट करते तो ये मेरा वीडियो देखें और सपोर्ट करें मुझे, नहीं तो आप जाके बड़े यूट्यूबर का वो वीडियो देख सकते हैं ठीक है, जो 90 अटैम्प 80 अटैम्प करते हैं वो लोग के लिए। मैं एवरेज कैंडिडेट के लिए खड़ा हूँ ठीक है, और उनको सपोर्ट करूँगा ठीक है, चाहे जो भी हो जाए मैं सपोर्ट करूँगा। और इसमें ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप घबराते क्यों हो, आप जो अटैम्प्ट कर, आप अगर बाहर से आ रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो कैंडिडेट 80-90 ला रहे हैं ठीक है प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100। ये कैंडिडेट वो हैं जो एवरेज हैं, जो एवरेज मतलब जो 60-70 के आसपास रहते हैं, या कभी 50-45, 50-55, 60-62 यही रहते हैं, वही कैंडिडेट आते हैं। टॉपर्स कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पे, याद रखना कभी भी टॉपर्स नहीं आएंगे ये स्टेट में ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो असम का बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो हाई कट ऑफ रहता है कोई कोई स्टेट का, मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ ठीक है, और हाई रहने के चांसेस है, जैसे असम हो गया आपका ठीक है। असम हो गया, अगर असम का प्रीवियस ईयर देखोगे तो असम का कट ऑफ कुछ 67 के आसपास था ठीक है, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, 67 का क्लर्क में इतना था ठीक है। तो उसके ये 2000 आपका हो गया, 2020 का मैं बता रहा हूँ ठीक है, 2019 का हो गया आपका 63 के आसपास यही था ठीक है, 1920। तो अब ये मैं 2021 का अगर बताऊँ तो कट ऑफ यही के आसपास रहेगी, मतलब अगर मेरे हिसाब से जाए तो कट ऑफ वही 65-70 जाने की संभावना है ठीक है, चांस यही है कट ऑफ जाने की, क्योंकि कट ऑफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये देखें एक बात मैं ये भी कह देता हूँ आपको, ये बस एक एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के हिसाब से ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कट ऑफ इतना जाएगी, 70 जाएगी या 71-72 जाएगी ठीक है, और ये जरूरी भी नहीं कि 65 जाएगी। कट ऑफ आपकी 2018 ना 60 में 57 या 58 भी गई है कट ऑफ ठीक है, तो ये भी 61-62 ये भी जा सकती है ठीक है, तो इसके पास भी रह सकती है। तो ये आप ये नहीं कर सकते हो कि और कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी हो, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट खुद आते हैं एग्ज़ाम देने ठीक है, तो आप ये हिसाब से समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो असम की मैंने ये बता दिया आपको एनालिसिस। तो आप असम से भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका अटेम्प्ट योर अटेम्प्ट, अगर आपका अटेम्प्ट अगर प्रीवियस एग्जाम में आप 65 स्कोर कर रहे हो प्रीलिम्स में, देखिए 65 क्रॉस कर रहे हो प्रीलिम्स में, अगर आपको मिल रहा है कोई भी स्टेट से 65, 66 या 60+ अगर मिल रहा है, तो एक बात याद रखना कि आपका ये चांसेस है कि आप 65+ भी कर सकते हो, आपको स्कोर मिल सकता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एनी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर 65 to 60+ या 65-70 के पास ला रहे हो स्कोर, तो आप कहीं भी कम्पीट कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट में ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो और इतना ला रहे हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपना स्टेट से ही अप्लाई करें ठीक है, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये इतना है। तो अगर आपका स्कोर अगर आ रहा है, देखो मैं सब बता रहा हूँ, आपका स्कोर अगर 45 आ रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कैंडिडेट होते हैं
जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है 45 आता है, किसी का 50 आता है, 55 आता है, या 57 आता है, ऐसे आता है, बहुत सारे कैंडिडेट का ये स्कोर रहता है। ठीक है, तो आप ये स्टेट में ना जाए, आसाम से अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, आपका अगर प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में आपका ये सब स्कोर आया, तो आप ये आसाम या त्रिपुरा अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, त्रिपुरा में भी आपका कट ऑफ अच्छा रहता है, 65+ ही रहने के चांसेस रहते हैं, 65+ रहने के चांसेस रहते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा बताया, ये आसाम त्रिपुरा हो गया आपका, और मेघालय हो गया, यहाँ भी आपका 60+ रहने के चांसेस हैं। ठीक है, 60+ रहने के चांसेस हैं। ठीक है, 60+ रहने के चांसेस हैं। जैसे कि त्रिपुरा का मैंने देखा है 65 भी रहता है, 2018-19 जो भी है, 65 या 62 या 59 इसी के आसपास रहा है कट ऑफ, जिसे मुझे एनालिसिस मिला है, तो वही मैं हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो त्रिपुरा में भी 65 या 60+ रहने के चांसेस हैं। तो अगर देखिए आप अगर स्कोर कर रहे हैं 65 अबव, तो आप ये स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, आसाम हो, ये सब। अगर 60+ आपको मिल रहे हैं स्कोर, या कभी प्रीवियस एग्जाम में आपका आया है, तो आप आराम से ये सब स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इवन सिक्किम, सिक्किम है कि ठीक है, किसी ने कहा था मुझे 77, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 77 होगा। ठीक है, वो हो सकता है 67 या 69 या 70 हो सके, 77 कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस ईयर का कुछ हिसाब से मिला है मुझे, तो लेकिन यहाँ पे कुछ कट ऑफ ये है कि चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे हाई रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी 65+ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, कट ऑफ ये साल प्रीवियस ईयर के हिसाब से सिक्किम में, सिक्किम में ठीक है 65+ जाने के चांसेस हैं। और ये भी नहीं है कि 65+ जाए आपका, क्योंकि इस बार क्या हुआ, सिक्किम में वैकेंसी थोड़ा इंक्रीज है, तो यहाँ पे आपका 59+ जाने के भी चांसेस हैं। ठीक है, 59, 58, 57 या 60 जो भी है, ये जाने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने के क्यों चांसेस है, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट मैक्सिमम सिक्किम चले जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चले जा सकते हैं, जो सिलीगुड़ी के आसपास रहते हैं वो लोग, उनके लिए बहुत सामने हो गया, तो वहाँ के कैंडिडेट यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कट ऑफ हाई रहने का चांसेस है, मेरे अनुसार 60+ रहने का चांसेस है मेघालय में। मेघालय का अगर प्रीवियस ईयर का बात करूँ, 2020 का, तो 2020 का मैं स्कोर कार्ड ज़रूर बहुत जल्द शेयर करूँगा आप सभी के साथ। तो मेघालय का कट ऑफ आपका लास्ट ईयर रहा है 62.25 या 75 कुछ है। ठीक है, एक मेरे भाई ने बताया है मेरे को, ठीक है, एड्रिन वाइट है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्कोर कार्ड। एक भाई ने मुझे शेयर किया स्कोर कार्ड, जिसने बताया कि 62.25 है कट ऑफ, और मुझे जैसा इन्फॉर्मेशन मिला था, जैसे मैंने खुद दिया था, ओबीसी से दिया था, तो लास्ट ईयर कट ऑफ ओबीसी का था, ओबीसी का 30.25 गया था कुछ। ठीक है, 30.25 गया था कुछ, इतना गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेघालय का। ठीक है, और ये देखिए 62, तो जनरल का क्या है ना, आप ये नहीं बोल सकते 30, तो इस बार कभी कभी क्या होता है, यहाँ का गैप देखो आप, 30 मार्क का गैप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो, तो ये ज़रूरी, कभी कभी क्या होता है, ओबीसी का आपका 61 चला जाता है। ठीक है, 61 चला जाता है, और जनरल का 62, 1-2 मार्क का आसपास रहता है। और एसटी में भी कंपटीशन है, मेघालय में एसटी में भी कंपटीशन है, 50+ भी कट ऑफ चले जाते हैं। ठीक है, आजकल 50+ भी चले जाते हैं, जैसे मैंने एसबीआई में देखा है, 50+ भी चले जाते हैं कट ऑफ एसटी के। लेकिन एसटी के, अगर आप एसटी से हो, तो यू डोंट हैव टू वरी, ओके, देन कट ऑफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो इफ यू आर फ्रॉम मेघालय, यू जस्ट अप्लाई फ्रॉम मेघालय, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ओके, सो एसटी के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप एससी के लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर ओबीसी जनरल में कंपटीशन हो सकता है, ये चेंज होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको, ये 2020 का मैंने बताया, ठीक है, 2020 का, ठीक है, आपको 19 का बताऊं, तो 19 में भी अच्छा कट ऑफ गया था। ठीक है, 19 में आपका गया था, इसमें भी 60+ 62 कुछ गया था, 62 पॉइंट कुछ गया था, हाँ 62 पॉइंट कुछ गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन कुछ 62 गया था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अगर मेघालय का कट ऑफ मैंने शायद ढाला था, तो एग्जैक्टली एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 19 का 62 पॉइंट कुछ गया था। जनरल का ये चांसेस है ना, कि मुझे जैसे 2020
2018-17 का मुझे याद है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, आप प्रीवियस वीडियो जाके मेरा ज़रूर देख लें। अगर मेघालय का कट ऑफ मैंने 2016 से लेके 2020 तक मैंने बना के रखा है, ठीक है, IBPS का, तो वो वीडियो आप चेक ज़रूर कर लें एक बार एनालिसिस के लिए। लेकिन ये मेघालय का क्या होता है ना, इस बार कट ऑफ 60+, जनरल का 100% जाने के चांसेस है, ठीक है, 60+ जाने के 100% चांसेस है। OBC का भी वही 58-59 भी रह सकता है, ठीक है, और OBC का बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, 40 भी चला जाता है, तो ये सब आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप टारगेट रखो कि मेघालय तो 60+ जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया वह यहाँ तक का, ठीक है, मैं पूरा एनालिसिस से आपको बता रहा हूँ। और आप कौन से स्टेट में जाएँ, अगर नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि मेरे नॉर्थ ईस्ट के एवरेज कैंडिडेट भाई लोग बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो क्या मैंने कहा आपको, अगर 65+ आ रहा है प्रीवियस एग्जाम में, तो आप कहीं से भी फिलअप कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी फिलअप करो, ठीक है। एक हो गया गोवा, गोवा बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, गोवा बहुत अनएक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर जैसे 53 गया था कुछ कट ऑफ OBC का, जनरल का 60 कुछ गया था, ऐसे सुनने में आया 60 के आसपास, 62 कोई बोल रहा था, अब पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिली 62 के आसपास गया है जनरल का। तो आप समझ सकते हो कि गोवा में, गोवा से भी आप अगर 60-60 के ऊपर ला रहे हो, तो आप गोवा में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका हो गया, अब कर्नाटका में भी 68 ना गया था कट ऑफ, तो यह भी 60 अगर 5 आप ला सकते हो, तो आप यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब स्टेट हो गया, आप अगर 60+ ला रहे हो, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, 60+ ला रहे हो, तो रिस्क मत लेना है, ये सब मैं बता दे रहा हूँ पहले। अगर आपका स्कोर 50-60 आ रहा है आसपास, 50-60 के आसपास आ रहा है, तो आप ये सब स्टेट में फिल करने से आप 50-60 गोवा फिलअप कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है 50-60 इसमें एक रह सकता है, नहीं तो आप बाकी के स्टेट जो मैं बोलने वाला हूँ वहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। तो ये सब हो गया बाकी, उसके बाद हम जाते हैं, मेघालय ख़त्म हो गया, अब हो गया मेरा नागालैंड, ठीक है। और एक बात मुझे याद आ गया, ठीक है, और वो मैं बता देता हूँ, पहले नागालैंड का बता दे रहा हूँ। नागालैंड, नागालैंड में ये मैं प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, मेंस का भी मैं कट ऑफ ज़रूर बता दूंगा, मेंस का एनालिसिस लेके आऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो नागालैंड का भी आपका कट ऑफ यहाँ पे, अगर आपका 52-60 के पास आपका स्कोर आ रहा है, आप देखो जो समझो, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप डिसीजन लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप वीक हो, 52-60 अटेम्प्ट हो रहे हैं आपके, या आपसे इससे ज़्यादा ला नहीं सकते हो, तो आपका ये चांसेस रहता है, आप यहाँ से फिलअप करो। 50-60 स्कोर हो रहा है आपका, तो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस कट ऑफ इसी के आसपास रहा है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 50-60 आया है प्रीवियस एग्जाम प्रीलिम्स में, या अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है आपका, अगर मॉकअप में आपका 50-60 या 60+ आ रहा है, आप ये सब स्टेट फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। नागालैंड, फिर मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया आपका, मिजोरम सेम है आपका 50-60। देखिए ये 50-60 मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये बात आप याद रखना, जरूरी नहीं कोई कैंडिडेट होता है उनको 45 ही मिलता है, तो आप 45 भी हो तो ये सब स्टेट ही टारगेट करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि आप कहीं और नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दूसरा स्टेट में क्या होता है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, लोग कह रहे हैं ना SBI का 75 चला गया कट ऑफ, IBPS का भी हाई जाएगा इस बार। IBPS का देखिए पहले से भी हाई है, आप लोगों को पता नहीं होगा तो, ठीक है, कभी कभी SBI का कट ऑफ 66 गया है, और IBPS का कट ऑफ 66 गया नॉर्थ ईस्ट में, कभी कभी कितना गया है 36 गया है, तो आप क्या बताओगे, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, आप ही बताओ, ठीक है। मैंने 36 भी कट ऑफ देखा है, 36.75 देखा है कट ऑफ, और मैंने 66 पॉइंट भी कुछ देखा है कट ऑफ, तो आप ही बताओ अगर इस बार कट ऑफ 67 चली गई, तो क्या इसमें क्या क्या गलती, कट ऑफ हाई चली गई, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कट ऑफ जाती है इतना डिपेंड करता है, कभी अचानक चली जाती है इतना, कभी लो चली जाती है, तो लोग समझते हैं कट ऑफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल फॉर नॉर्थ ईस्ट, बट चांसेस रहते हैं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ लो भी जा सकते हैं, कोई कैंडिडेट 40 अटेम्प्ट किया वो भी क्वालिफाई कर जाता है, कोई कैंडिडेट 60 अटेम्प्ट किया वो फेल कर जाता है,
ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव है कि आपका मैक्सिमम चांस, हम बोल रहे हैं ना मैक्सिमम 99% चांस रहता है कि कट ऑफ लो ही रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम चांस रहते हैं कि लो या एवरेज में बोल सकता हूँ वही रहेगी। तो आप नागालैंड 52 या मान लो 45-60 ला रहे हो, या मिजोरम 45-60 ला रहे हो, आप ये सब अटैक कर सकते हो। आप मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया आपका, मणिपुर मान लो 50-60 ला रहे हो या 60+ ला रहे हो, आप ये सब अप्लाई कर सकते हो मणिपुर, ठीक है। तो आई होप मैंने डिस्कस कर लिया ये सब, और कोई स्टेट अगर भूल गया हूँ तो ये हमारा नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया आपका, ठीक है। और सॉरी, एक और स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अब देखो एसबीआई का देखोगे तो 69.75 चला गया, 69.75 चला गया किसका, आपका एसबीआई का, ठीक है, 10 मार्क ज़्यादा गया, 10 मार्क चला गया ज़्यादा, ठीक है। क्यों हुआ ना एसबीआई में, रीज़न था, देखिए ये मुझे नहीं लगा ये होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एवरेज हमेशा ही वही जा रहा था, लेकिन वैकेंसी के अकॉर्डिंग हो गया ये, ठीक है, ठीक है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये चला गया 69.75। और एक बात और बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश देखिए आईबीपीएस और इसमें बहुत डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर आईबीपीएस आरआरबीपीओ, आईबीपीएस आरआरबी आरआरबीपीओ अगर दिए होंगे प्रीलिम्स, तो आपको पता होगा मेघालय का कट ऑफ 28 गया, 28 या 26 गया था, इससे ज़्यादा नहीं गया था, ठीक है, जनरल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओबीसी का 20 गया था, ठीक है। तो ये क्यों गया यार, आप खुद सोचो ना, यहाँ पे लोग खुद जाते हैं एग्जाम देने, इसलिए गया, नहीं तो ये क्या 28, ये 58 नहीं बन सकता था या 48, ठीक है। तो आप ये खुद सोचो, अब मान लो आरआरबी क्लर्क का, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इसका कट ऑफ क्यों गया 48, 48 या 40, हाँ 48 पॉइंट कुछ गया, ओबीसी का 50 कुछ गया, इसका जनरल का क्यों गया इतना, 70+ क्यों नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं इसलिए। तो ये दो एग्जाम हुआ, इसमें क्यों नहीं कट ऑफ 70+ गया, आप खुद सोचो ना, एसबीआई की कैंडिडेट कहीं से भी दे सकते हैं, यही रीज़न है दोस्त। तो आप पॉजिटिव रहो ना, नेगेटिव मत सोचो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो कि आपके लिए कौन स्टेट बेहतर है, आप कौन कौन स्टेट में इंडिया में कम्पीट कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला एवरेज कैंडिडेट होते हैं ना, वो 10 घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो लास्ट के अगर वो प्रीलिम्स का अगर 20 दिन या 30 दिन बचा है ना, तो वो 4-4 घंटा, 5-5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, 8 घंटा मान लीजिए एक दिन पे पढ़े, लेकिन नेक्स्ट दिन वो 2-3 घंटा ही पढ़ेगा, ठीक है, वो अलग कैंडिडेट होते हैं, एवरेज कैंडिडेट अलग होते हैं, मैंने बोला बहुत बार ये बात बोला हूँ, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे अरुणाचल का कट ऑफ मेरे अनुसार, ठीक है, मेरे अनुसार मैक्सिमम ये 50-60 के आसपास ही रहेगा मेरे अनुसार, ठीक है। और एक बात मैं क्लियरली आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, 50-60 में ये हाईएस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, हाईएस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैक्सिमम अभी तक इतना ही गया है, अब ये 61 चला जाएगा तो जरूरी नहीं है कि नहीं जाएगा, जा सकता है, अलग बात है, लेकिन अभी तक का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना गया है 50-60, जरूरी नहीं 50-60, 30-40 के आसपास भी गया है। तो आप पॉजिटिव रहें और अपने अनुसार स्टेट चूज करें, ठीक है। तो आप देखिए कैंडिडेट 101% आपको दिखाई देंगे बाहर के, आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे, तो मैंने ये 6 साल में दिए, 6 साल से देख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, 6 साल के एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, कैंडिडेट में होंगे, मैं जनरल जो होंगे ना वो मैक्सिमम बाहर के होंगे आपके, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, ठीक है, बाहर के कैंडिडेट होंगे। तो आपको इससे नहीं घबराना है, आपको ये सोचना है वो बाहर के कैंडिडेट आए हैं वो मेरी तरह हैं, उनका भी एवरेज अटेम्प्ट है 50-60 या 60-70 उसी के आसपास, वो 70-80-90 अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये एग्री करना पड़ेगा आपको। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 90 नहीं ला सकते हो, लेकिन ये फैक्ट है,
अगर वो 80 ला सकते तो वो क्यों आएंगे ये सब स्टेट में, वो खुद के स्टेट में क्यों नहीं देंगे। कोई उड़ीसा का लड़का मिजोरम जा रहा है, ठीक है, क्यों जा रहा है वो, उसको पता है उड़ीसा में मेरा 75-78 कट ऑफ है, मुझसे मुश्किल है, नहीं होगा मेरे से, मेरे से अटैम ही 65 होता है, मेरे स्कोर ही 65-66 आएगा, तो नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो 65 अगर स्कोर हो रहा है तो मेरा तो क्रैक हो जाएगा। ये होता है, इस वजह से लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कोई, देखिए मैं ये भी बात बोलता हूँ, कोई नई बात नहीं है, लोग पहले से आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप डिमोटिवेट ना हो, पॉजिटिव रहें और अपना प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। और एक बात कह देता हूँ, अब भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक कैंडिडेट ने कहा कि, ठीक है, मैं देखो प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ, आपको मैंने यकीन करना है, आप यकीन करो या ना करो आपकी मर्जी है। एक कैंडिडेट कह रहे थे कि IBPS में LPT में फेल कर दिया, ठीक है, फेल कर दिया, ठीक है, फेल कर दिया होगा, क्यों किया क्या पता नहीं, ठीक है। मेरे अनुसार मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं ना, 3 साल हो गया उन्हें काम करते हुए, इंडियन बैंक हो गया, PNB हो गया, ठीक है, मिजोरम में काम कर रहे हैं, कोई नागालैंड में काम कर रहा है, ठीक है, नागालैंड में काम कर रहा है मेरा खुद का दोस्त, मैं बोल रहा हूँ क्लासमेट, वो काम कर रहा है, ठीक है, या मिजोरम में काम कर रहा है मेरा खुद का दोस्त, वो काम कर रहा है, उसको आता नहीं है लैंग्वेज, फिर भी वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है आप सोचो खुद। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, आपके ऊपर है, आप ये मान सकते हो तो मानो, आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप मुझे ये बात ज़रूर बताना कॉल करके कि सर मुझे तो लैंग्वेज नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्या करना, बेसिक लर्न शुरू कर देना, ठीक है, बेसिक शुरू कर देना लर्न, जरूरी है बेसिक, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सीख लेना, ठीक है, क्योंकि वो टाइम आपको देंगे, ठीक है, इतना नहीं कि आपको निकाल देंगे, आपने एग्जाम क्लियर किया, मेन से निकालना कोई आसान बात नहीं होता है, ठीक है। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का टेंशन ना ले, आप कर्नाटका के हो, आप मिजोरम में जाओ, मिजो दो नहीं आता लैंग्वेज गोली मारो, ठीक है, तभी भी, ठीक है, लैंग्वेज नहीं आता है भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपका सिलेक्शन होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। और व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट लर्न द बेसिक, ओके, कुछ नॉर्मल चीज़ तो सीखना पड़ेगा, व्हाट इज़ योर नेम, राइट इट इन मिजो, व्हाट इज़ योर नेम, राइट इट इन खासी, राइट इट इन गारो, राइट इट इन मणिपुरी, राइट इट इन कन्नाडा, मलयालम, व्हाट एवर लिटल, ये सब बेसिक तो नॉर्मल है, आपको जॉब चाहिए तो आप करेंगे ही ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रीलिम के हिसाब से। अगर आपका बेसिक अटेम्प्ट है 45 to 60, अगर आपका जा रहा है, या 61 जो भी, आप ये सब स्टेट में जाओ अप्लाई करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लोग यहाँ आपको मिलेंगे 101% मैक्सिमम कैंडिडेट मिलेंगे, एक शीट में आपको 30 से 40 बाहर के कैंडिडेट या 50 हमेशा मिलेंगे, याद रखना, ये भी मैं वीडियो पे पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आपको नहीं घबराना है, वो मैं किने क्या कहा, वो आपके जैसे हैं, तो आप समझ गए, 45 to 60 अगर जा रहा है आपका तो आप ये सब स्टेट से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगर 60 के आस प्लस जा रहा है तो आप ये सब स्टेट के फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से यही था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने पूरा डाई हार्ट ट्राई किया आपको समझाने की, अगर कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, मैं चाहता हूँ आपका जॉब लगे, कभी लगे तो हमसे भी मिलने आना, कभी जो अगर मैंने कुछ हेल्प किया हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, मैं हाइड नहीं करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कुछ अगर मैं भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, और हो सके तो मैं मेंस का भी वीडियो बना के आपको डाल के दूंगा, ठीक है, मेंस का भी एनालिसिस दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।